नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टूडेंट टाइपिंग क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की झीलें। ठीक है, राजस्थान की झीलें, और ये टॉपिक लिया गया है आपके सिलेबस में। राजस्थान में जो राजस्थान का सिलेबस आता है दोस्तों, उसमें जल लिखा हुआ होता है। ठीक है, और वाटर में से ही ये जो पार्ट है अलग से लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि झीले अगर जल दे दिया है तो जल में ही झीलों का पार्ट आएगा। अब अगर अपन इस पे देखते हैं तो दोस्तों नदियां जो है आपकी, नदी इसके अंदर आएगी, नदी के बाद झीले आपकी इसके अंदर आएगी दोस्तों। ठीक है, झीले इसमें आने वाली है, झीलों के बाद में दोस्तों क्या बात करेंगे, झील हो गई, नदी हो गई, आपके तालाब हो गए, तालाब के बाद कुएं हो गए। ठीक है, तो कुएं, नदी, झील, तालाब, ये सभी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आएगी, राजस्थान में जल कंपार्ट के अंदर आएगी। और उसी में से एक टॉपिक लिया गया है राजस्थान की झीलें, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब दोस्तों झीलें पढ़ने की बात करते हैं तो झीलें दो प्रकार की होती हैं। पहला होती है राजस्थान में मीठे पानी की झील, और दूसरी होती है राजस्थान में खारे पानी की झीलें। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है झीलों को। और झीलें भी देश की, देखिए दोस्तों दो तरह की होती है, एक होती है कृत्रिम झील। क्या होती है? एक होती है कृत्रिम झील और एक होती है प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झीलें क्या होती हैं? जो प्रकृति ने खुद से बनाई है। और कृत्रिम झीलें क्या होती हैं? जो इंसान के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, किसी भी रीजन से राजा महाराजाओं के द्वारा, मशीनों के द्वारा जो जल क्षेत्र बनाया जाता है उसको हम कृत्रिम कहते हैं। और प्राकृतिक क्या होती है? जो ऑटोमेटिकली जो प्राकृतिक नेचुरल तौर पे बनाई गई हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला है, आपने देखी होगी जो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के नक्शे में है। तो राजस्थान के नक्शे में जो आपका इन शॉर्ट समझ लीजिए कि जैसे ये राजस्थान है और राजस्थान के बीच में से यहां से आपकी अरावली है, तो अरावली के जो आपका पश्चिमी भाग है दोस्तों, अरावली के पश्चिमी भाग में तो खारे पानी की झीलें होती हैं, और जो आपका आपका पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में मीठे पानी की ज्यादातर झीलें जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखने वाली बातें हैं। और जो ये खारे पानी की जो झीलें होती है दोस्तों, ठीक है, तो ये इनको क्या कहा जाता है, एशिया के अंदर इनको प्याला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्याला भी कहा जाता है। और प्याले के साथ में अर्जेंटीना में इसको हम कहते हैं साल्टा, सॉल्ट से साल्टा भी याद करना। और साल्टा कहा जाता है अर्जेंटीना में खारे पानी की झीलों को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीठे पानी की झीलें। और मीठे पानी की झीलों की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले आता है जयसमंद झील, जिसको हम कहते हैं ढेवर झील, और वर्तमान में ये सलुम्बर के अंदर है। और पहले अगर बात करूं तो उदयपुर में ये हुआ करती थी, अब उदयपुर से किस में आ गई है, सलुम्बर के अंदर आ गई है। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहली बात तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी, तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होगी जयसमंद। और इसको किसके द्वारा बनाया गया, जैसे ही याद कर लीजिए, जयसमंद से जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? जय सिंह के द्वारा बनाया गया है। ये कहां के थे? उदयपुर वाला इलाका जब भी आ जाएगा, मेवाड़ याद कर लीजिएगा दोस्तों, तो मेवाड़ में आपके जय सिंह जी के द्वारा। और 87 से 91 में, कब, 1987 से 91 में, जो 4 साल के अंदर इसको कृत्रिम झील को बनाया गया है। ठीक है, और ये जो नदी है वो देखिए कहां पर, गोमती, गोमती नदी से। ठीक है, कहां से, गोमती से। और गोमती से, गो माता जो होती है वो क्या करती है, गोबर करती है, गोबर से ही ढेबर याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, ढेबर झील भी कहते हैं। और इसको याद कैसे करेंगे, गोमती नदी का पानी रोककर बनाया गया है, तो गोमती से ढेबर को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो गोमती से ढेबर हो गया। और इसमें जो ये झील है, इस झील में 7 छोटे छोटे टापू हैं दोस्तों। कितने हैं?
सात टापू जैसे समझ गए आप, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए, एक दो तीन चार पांच छ और सात, तीन छ सात, ठीक है। तो सात टापू हैं और इस टापू का जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम तो है प्यारी, क्या नाम रहेगा, प्यारी नाम रहेगा, और जो सबसे बड़ा रहेगा भागड़ा या भकड़ा, इसको हम बोलेंगे भागड़ा या भकड़ा, ये आप लिख सकते हैं भागड़ा या भकड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू रहेगा और सबसे छोटा टापू इसमें क्या रहेगा, प्यारी नाम से सबसे छोटा टापू रहेगा। इन टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं, ठीक है, कौन से करेंगे, आदिवासी लोग जो है वो यहाँ पर निवास करेंगे। और इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आता है, ये जैसमंद का जो पानी है दोस्तों, ये कहाँ पर जाता है, सप्लाई पीने के पानी में, उदयपुर में इसके पानी की जो है वो सप्लाई होती है, ठीक है। और इसी झील में से दो नहरें भी निकलती हैं, एक को हम कहते हैं श्यामपुरा और दूसरी होती है भाट। तो श्यामपुरा और भाट ये दो नहरें भी जो है वो यहां से निकलती है, ठीक है। जलीय जीवों की संख्या में सर्वाधिक इसमें जलीय जीव होते हैं जलचर होते हैं, जलचर क्या होते हैं, जो जमीन और पानी, जैसे सांप हो गया, कछुआ हो गया, इस तरह के जलचर जो होते हैं वो सर्वाधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों जलचरों की बस्ती भी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जलचरों की बस्ती भी। तो जलचरों की बस्ती आप किसको कहेंगे, जैसमंद को कहेंगे। किसके द्वारा बनाया गया, जयसिंह के द्वारा 87-91 में गोमती नदी के पानी को रोककर। तो ये अपने लिए एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ढेबर भी क्यों है, क्योंकि ढेबर के दर्रे से ये पानी आता है। तो ढेबर का दर्रे से ढेबर झील है, जिसको याद करेंगे गोमती से ढेबर, गोबर से ढेबर, ठीक है। तो ये आपके जैसमंद झील हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों राजसमंद झील, ठीक है। तो राजसमंद झील के बारे में देखते हैं, इसका निर्माण वही राज से याद कर लो, राज सिंह के द्वारा, ठीक है, राज सिंह के द्वारा की गई। कहां पर, राजसमंद भी किसमें आता है, मेवाड़ में आता है ना दोस्तों, तो मेवाड़ याद कर लीजिए। कहां, कौन सी नदी का पानी है, तो वही सेम गोमती नदी का पानी इसमें यूज होगा, ठीक है। तो गोमती नदी का पानी होगा। और ये कल क्यों बनाया गया, मेवाड़ में अकाल पड़ा था साहब, तो अकाल पड़ने पर इसका निर्माण जो है वो करवाया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इस झील का जो उत्तरी भाग है, इस झील का जो उत्तरी, उत्तरी कौन सा हो गया, नॉर्थ पार्ट है, वो क्या कहलाता है, नो चौकी। नॉर्थ से ही नो चौकी को याद कर लो, ठीक है, नॉर्थ से क्या हो गया, नो चौकी। उत्तरी भाग जो है वो नो चौकी कहलाता है। महाराणा राज सिंह ने घेवर माता और दस भुजा वाली अंबा माता का निर्माण भी राजसमंद झील के यहीं पर करा, घेवर माता का और दस भुजा वाली अंबा माता, ठीक है। तो यहां पर आप याद कर लीजिए, ये देखिए घेवर जैसा हो गया ना, तो घेवर माता, ठीक है। तो घेवर माता का जो निर्माण है वो कहां पर है, आपकी राजसमंद झील पर, ठीक है। और कौन सी, दस भुजा वाली, कितनी, दस भुजा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। तो दस भुजा वाली माता का भी जो मंदिर है वो कहां पर है, नौ चौकियों पर, मतलब इसके उत्तर दिशा में, ये आपके हैं द्वारिकाधीश का मंदिर यहां पर है। कौन सा मंदिर आएगा, द्वारिकाधीश का मंदिर भी आपके इसी झील पर स्थित है, द्वारिकाधीश का मंदिर हुआ। दयाल शाह का दुर्ग हुआ, दयाल शाह दुर्ग, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बताया है कि दयाल शाह का दुर्ग भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करें तो 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर, 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा का पूरा इतिहास जो है वो यहां पर लिखा गया है, ठीक है। और इसे ही राज प्रशस्ति कहते हैं, जो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, क्या, राज प्रशस्ति। तो मेवाड़ का जहां इतिहास लिखा गया है वो राज प्रशस्ति, वो कहां पर है, राजसमंद झील पर बनी हुई है, ठीक है, संगमरमर से निर्मित। तो यहां पर इसके अलावा राज प्रशस्ति जो है
अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो अमर काव्य पर आधारित राज प्रशस्ति जो है वो है, बुक पे आधारित है, ठीक है। और इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग, क्या है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है राजसमंद झील के बारे में, देख लीजिए। राजसमंद से राजसिंह, मेवाड़, गोमती नदी पर बनी है, घेवर नौ चौकिया नॉर्थ में है, नॉर्थ से नौ चौकिया याद कर लेना, द्वारिका दीश का मंदिर, घेवर माता, दयाल शाह दुर्ग यहाँ पर है, मेवाड़ की राज प्रशस्ति जो कि अमर काव्य पर आधारित है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है, ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूरा का पूरा राजसमंद झील आ जाती है। नेक्स्ट पे अपन चल रहे हैं जिसको हम कहते हैं पिछोला झील, ठीक है। 14वीं सदी में इस मीठे पानी की झील का निर्माण करवाया है राणा लाखा ने, किसके द्वारा कराया गया है निर्माण, राणा लाखा के द्वारा, ठीक है। राणा लाखा के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब हमारा कौन सा पार्ट आएगा, राजस्थान की हिस्ट्री का पार्ट आएगा। अब पिछोला, पिछोला का नाम कैसे पड़ा है, पिच्छू नामक बंजारे से, किसके द्वारा, पिच्छू नामक बंजारा, ठीक है। तो पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा, सॉरी तो पिच्छू नामक सॉरी यहाँ पे ये कुछ पिच्छू नामक बंजारा, ठीक है। तो पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा जो है इसका नाम जो निर्माण था अपने बैल की स्मृति में करवाया गया था, ठीक है, किसकी, अपने बैल की स्मृति में, तो बैल की स्मृति में कराया गया राणा लाखा के द्वारा जो है एक के समय पे, यहां पर इस बात को एक बार देख लीजिएगा, राणा लाखा के समय पर पिच्छू नामक बंजारे ने किसकी स्मृति में, बैल की स्मृति में किसका निर्माण करवाया, पिछोला का, ठीक है, जो बड़े बड़े झोले उठा सके, पिछोला, इसको आप देख लेना कि जो बैल होता है बड़े बड़े झोले उसके पीछे रख दिए जाते हैं, तो बैल की स्मृति में पिच्छू नामक बंजारे ने राणा लाखा के समय किसका निर्माण कराया है, पिछोला झील का निर्माण कराया है, ठीक है। पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं, ठीक है, कौन सा मंदिर है, जग मंदिर और जग निवास महल, ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, उदयपुर में, ठीक है। जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं, जग मंदिर का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तो कर्ण सिंह के द्वारा तो क्या बनाया गया है, जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया 1620 में, ठीक है, और इसको पूर्ण किया था जगत सिंह प्रथम ने, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे अपन बताएंगे। और इस जगह पर एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह करने के बाद में यहीं पर शरण स्थली ली थी जग मंदिर में, ठीक है, किन्होंने, शाहजहां ने, तो शाहजहां जो थे उन्होंने पिता से लड़ाई के बाद में शरण स्थली जो थी वो कहां पड़ ली, पिछोला झील में, जग मंदिर में ली थी, ठीक है। जग मंदिर महल में ही 1857 की जो क्रांति हुई उसमें महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच की छावनी से आए 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था, ठीक है, कितने अंग्रेजों को बचाया, 40 अंग्रेजों को यहीं पर 1857 की जो क्रांति थी उसमें यहां पर बचाया गया, और बचाने वाले जो राजा थे उनका नाम क्या था, स्वरूप सिंह था, किनसे बचाया, भारतीय क्रांतिकारियों से, किसको बचाया, 40 अंग्रेजों को, कहां पर बचाया, जग मंदिर महल में, उदयपुर पिछोला झील में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा हुआ, जग से जगत याद कर लीजिए, जगत सिंह द्वितीय, ठीक है, और जग मंदिर का निर्माण किया कर्ण सिंह ने, तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना,
कि जग निवास महल जगत सिंह द्वितीय जग मंदिर को कर्ण सिंह ने, ठीक है, कर्ण सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वर्तमान में पर्यटन केंद्र के रूप में महलों को लेक पैलेस के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। लेक पैलेस हो ही गया ना, कि जो नहर के झीलों के बीच में पैलेस होते हैं, लेक पैलेस के रूप में पर्यटन की दृष्टि से इनको क्या किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। इस झील के समीप गल की नटनी का चबूतरा, गल की नटनी का चबूतरा, ये भी याद कर लेना, गल की नटनी का चबूतरा, इसको आप ये देख लो कि ये चबूतरा जहां पर कबूतर खाना खाने आते हो, कबूतर से चबूतरा याद कर लीजिए, गल की नटनी, ठीक है। गले में वो दाना डालते हैं और ये एक चबूतरा है, तो गल की नटनी का चबूतरा पिछोला झील में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस झील के किनारे राजमहल या फिर सिटी पैलेस भी बसा हुआ है। क्या है, इसके किनारे ही सिटी पैलेस भी है कॉर्नर पे, ठीक है, सिटी पैलेस भी बना हुआ है। इसका निर्माण उदय सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, उदय सिंह के द्वारा, किसका, सिटी पैलेस का। तो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, आप उदयपुर घूमने जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप यही देखते हैं कि ये जो बना हुआ है, ये आपका बिल्कुल किनारे पे जो ये बन रहा है, ये क्या है, सिटी पैलेस है उदयपुर का, ठीक है। और दोस्तों पिछोला झील के जो पूर्वी किनारे पे ये स्थित है, कौन से पूर्वी इलाका, कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट पे क्या है, पिछोला पे सिटी पैलेस जो है वो स्थित है। और इतिहासकार फंग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा भी दी है, ठीक है, किसकी, विंडसर। तो विंडसर की जो संज्ञा है वो किसके द्वारा दी गई, फंग्यूसन के द्वारा, ठीक है, फंग्यूसन, आप ये याद कर लेना, फंग्यूसन के द्वारा विंडसर की उपाधि भी किसको दी गई है, पिछोला झील में जो आपका क्या है, सिटी पैलेस, उसको दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव भी कहां पर चलाई गई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है वो भी सबसे पहले पिछोला झील में चलाई गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके पिछोला झील उदयपुर से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो कि है उदयपुर में स्थित, ठीक है, फतेह सागर उदयपुर। अभी तक हमने जो जो एक बार के लिए रिपीट देख लेते हैं, यहां पर हमने जैसमंद झील ली है, ठीक है, जैसमंद झील जो पहले उदयपुर में थी अब सलुम्बर में आ गई है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट थी राजसमंद झील जो राजसमंद में स्थित है। इसके बाद पिछोला झील जो उदयपुर में स्थित है। अब फतेह सागर झील आ रही है जो कि कहां पर स्थित है, उदयपुर में, उदयपुर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील। ये भी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे मीठे पानी की झीलें ही पढ़ रहे हैं। तो इस पानी की झील का जो निर्माण है वो मेवाड़ के शासक जय सिंह जी के द्वारा ही कराया गया। तो पहले तो यहां पर लिख लीजिए कि किसके द्वारा कराया गया है, तो जय सिंह जी के द्वारा इसका जो निर्माण है वो दोस्तों वो कराया गया, ठीक है, मीठे पानी की झील। और इस बाद में अतिवृष्टि मतलब अधिक बारिश होने के कारण जो ये झील थी ये डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई थी, ठीक है। इसका पुनर्निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया और उसके बाद में किसके द्वारा, फतेह सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया और तब जाके इसका नाम बदल के रख दिया गया फतेह सागर झील, ठीक है। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा, ड्यूक ऑफ कनॉट, ठीक है। तो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी फतेह सागर की जो आधारशिला है दोस्तों वो रखी गई। अतः इस झील को फतेह सागर झील भी कहा जाता है। सहेलियों की बाड़ी महाराणा प्रताप का स्मारक, ठीक है। तो सहेलियों की बाड़ी
महाराणा प्रताप का स्मारक, ठीक है, ये किसके अंदर है, फतेह सागर झील के अंदर ही आता है। नेहरू उद्यान और संजय गांधी उद्यान भी, नेहरू उद्यान भी आएगा और संजय गांधी उद्यान भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये चार चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, याद जरूर कर लीजिएगा, नेहरू, संजय गांधी, महाराणा प्रताप स्मारक और सहेलियों की बाड़ी, ये किसके अंतर्गत आएगा, फतेह सिंह के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद फतेह सागर झील के किनारे में ही इस झील में एक सौर वैद्यशाला भी बनी हुई है। क्या है, सौर वैद्यशाला, और सौर वैद्यशाला कहां पर बनी हुई है, आपके फतेह सागर झील पे। और सौर ऊर्जा से रिलेटेड अगर पहली नाव जो राजस्थान में चली है तो वो कहां चली है, पिछोला झील में चली है, विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान ने 1975 में भारत की पहली सौर वैद्यशाला स्थापित की थी। कब की थी, 1975 में, किसके द्वारा की गई, अहमदाबाद संस्थान के द्वारा जो है सौर वैद्यशाला का निर्माण जो है वो दोस्तों यहां पर किया गया, ठीक है। इस झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी अध्ययन के लिए भी की गई। फतेह सागर झील से उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति होती है। अब बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप क्या होता है, ये इस तरह का टेलीस्कोप जो ऊपर सूर्य की जो वो देखी जाती है, तो बेल्जियम से स्थित टेलीस्कोप जो है वो भी कहां रखा गया है, वो रखा गया है फतेह सागर झील में। तो ये कुछ फतेह सागर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो जुड़ती है वो ये है कि देवाली गांव में ये स्थित है, उदयपुर का देवाली गांव, देवली नहीं है, देवाली याद रखना, बूंदी के पास आता है देवली, और उदयपुर में जो देवाली गांव है उसमें ये स्थित है, इसीलिए इसको देवाली तालाब भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है कभी कभी, देवाली तालाब किस झील को कहते हैं, तो देवाली तालाब आपके फतेह सागर झील को कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज और, पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तंग झील को, ये दोनों झीलें आपस में जुड़ी हुई है, स्वरूप सागर झील के द्वारा ये जुड़ी हुई है, पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली एक तंग झील, उसको हम क्या कहते हैं, स्वरूप सागर झील कहते हैं, ठीक है, स्वरूप सागर झील। तो इन दोनों को जोड़ने वाली, इनके दोनों को रूप को बरकरार रखने वाली, स्वयं के रूप को बरकरार रखने वाली स्वरूप झील इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आना सागर झील जो कि आ से अजमेर आप सीधा क्लियर कर सकते हो, तो अजमेर में स्थित है, अजमेर शहर के मध्य में स्थित इस झील का निर्माण अजय राज ने, अजमेर से ही याद कर लीजिए अजय राज, तो अजय राज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया के पुत्र अर्णो राज ने, सॉरी अजय राज के जो पुत्र हैं अर्णो राज, ठीक है। तो अजमेर से अजय राज और अजय राज के जो पुत्र हुए कौन हुए, अर्णो राज, तो अर्णो राज के द्वारा इसका जो निर्माण है दोस्तों वो कराया गया। पृथ्वी राज चौहान के दादाजी हुआ करते थे आना जी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इसमें पहाड़ों के मध्य में ये आपका जैसे अजमेर ये सिटी है, अजमेर सिटी के बिल्कुल मिड के अंदर, मतलब पहाड़ों के बीच में ये बनी हुई है, जिसमें पहाड़ों का पानी जो है शहर के बीचों बीच बनी हुई है और पहाड़ों का पानी जो है वो इसमें एकत्रित होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि जयानक ने पृथ्वीराज विजय में, ग्रंथ है पृथ्वी राज विजय, और क्वेश्चन बहुत आता है ये किसने लिखा है, तो ये है जयानक के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, जयानक के द्वारा पृथ्वी राज विजय, और इसमें लिखा हुआ है अजमेरों को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए, अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए
इस युद्ध की बात है कि तुर्कों का रक्त जो था वो पूरा रेड रक्त हो चुका था युद्ध के बाद, उसको शुद्ध करने के लिए, धोने के लिए क्या बनाई गई, जो आना सागर झील का निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, क्योंकि इस विजय में तुर्कों का अपार खून बहा, पहाड़ों के मध्य यहां पर स्थित था। ठीक है, मुगल शासक जहांगीर ने अपनी नूरजहां के लिए, किसने, जहांगीर ने अपनी रूठी रानी नूरजहां के लिए महल का निर्माण करवाया। ठीक है, जिसे वर्तमान में, ठीक है, रूठी रानी का महल का कहते हैं, और यहीं पे दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। तो सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। ठीक है, सुभाष उद्यान कहां पर स्थित है वो आप अब बता सकते हैं, आना सागर झील पे सुभाष उद्यान स्थित है। उस इस उद्यान में नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, तो गुलाब के इत्र का जो आविष्कार है वो भी कहां पर हुआ है, आना सागर झील में हुआ है, और किसके द्वारा, असमत बेगम के द्वारा, जो कि नूरजहां की मां थी। ठीक है, असमत बेगम, ठीक है, तो असमत बेगम के द्वारा किसका, गुलाब के, जो गुलाब का इत्र होता है, गुलाब इत्र का जो आविष्कार है वो यहीं पर हुआ है। ठीक है, इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा ए नूर झरना, कौन सा चश्मा ए नूर झरना, चश्मा ए नूर झरना भी बनवाया। शाहजहां ने इसी उद्यान में 5-12 दरी संगमरमर की छतरियों का निर्माण करवाया। इस तरह की जो छतरियां थी, तो ये छतरियों का जो निर्माण है, 12 छतरियों का निर्माण जो है वो भी यहां पर करवाया। कितनी छतरियों का, 12 छतरियों का निर्माण यहां कराया गया। ठीक है, तो ये था आपके आना सागर झील से रिलेटेड। अब और दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं स्टैनो की तैयारी, तो सारस्वत स्टैनो क्लासेस से जुड़िए, और कम समय में सबसे बेहतरीन तैयारी करके अपने रिजल्ट को और अपने करियर को करें सुरक्षित सारस्वत स्टैनो एंड टाइपिंग क्लासेस के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें आप लोग जो अधिक जानकारी के लिए 9887060188 पर अधिक जो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है नक्की झील, और नक्की झील कहाँ पर पड़ती है, वर्तमान में सिरोही में नक्की झील है, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पर है, माउंट आबू, सबसे ठंडी जगह होती है राजस्थान की माउंट आबू, और वहीं पर जो नक्की झील है दोस्तों वो स्थित है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर सबसे गहरी झील है। ठीक है, क्या है, सबसे तो ऊंचाई पे और सबसे गहरी झील कौन सी झील है, नक्की झील। ठीक है, आगे देखते हैं, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पे राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, क्या, सर्दियों में पूरी झील जो है वो ठोस हो जाती है, जम जाती है, और ठंड के कारण, तो राजस्थान में आप जानते हैं मरुस्थलीय प्रदेश इलाका है, और ऐसी चमत्कारिक चीज होना काफी लोगों के को आश्चर्यचकित भी करती है। तो नक्की झील जो है सर्दियों में जमने वाली झील होती है। ठीक है, इसका झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा, जो ज्वालामुखी उद्भेदन जो मुख होता है वहां से इसका निर्माण हुआ है नक्की झील का, इसीलिए ऊंचाई पर ये झील जो है वो स्थित है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक झील है जिसको क्रैटर झील भी कहते हैं, वही लावामुखी झील को क्रैटर लेक या फिर क्रैटर झील भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की है। ठीक है, जो मान्यता है वो क्या कहते हैं कि जो नाखूनों से जो देवता थे उन्होंने इस झील का जो है वो निर्माण किया है। ये झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस झील में टापू है जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर है। झील में एक टापू आएगा और टापू क्या है, रघुनाथ का मंदिर। ठीक है,
तो रघुनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नक्की झील सिरोही पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, इस झील में टापू पे एक मेंढक जैसी चट्टान भी बनी हुई है। एक तरफ यहां पर आप ये देख रहे हैं एक बहुत बड़ी चट्टान जो कि मेंढक का रूप लिए हुए है, तो एक मेंढक जैसी आकृति भी इस पे बनी हुई है जो लगता है कि पानी में जंप करने वाला है। तो ये भी मेंढक जैसी चट्टान है जिसको टॉड रॉक भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा है? टॉड रॉक जो है वो इसका नाम पड़ा है, ठीक है। एक चट्टान की आकृति महिला के समान भी है जिसको हम कहते हैं नन रॉक। नन होती है ना, तो नन रॉक एक महिला की आकृति के समान है, और टॉड रॉक जो मेंढक की आकृति है वो टॉड रॉक के नाम से, और महिला के समान जो आकृति है वो नन रॉक के नाम से वहां पर है। एक आकृति लड़का लड़की भी है जिसमें मतलब दो पत्थर इस तरीके से है, तो इसको हम कपल रॉक भी कहते हैं। तो कपल रॉक भी अगर मैं बात करूंगा तो कहां पर होगी? नक्की झील में कपल रॉक जो है वो मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोका, पैरट रॉक अन्य दर्शनीय स्थल है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये झील गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक जो पॉइंट है वो कौन सा है? नक्की झील है, ठीक है। अतः लोग अपने मृतकों की, अतः लोग अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन यहां पर करते हैं। इसके समीप ही अरबुजा देवी का मंदिर भी है, ठीक है। तो अरबुजा देवी का मंदिर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया है अरबुजा देवी का मंदिर कहां पर? नक्की झील में। गरासिया जनजाति जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों का विसर्जन है वो कहां पर करना प्रमुख मानते हैं? नक्की झील पे करना प्रमुख मानते हैं। तो ये आपका कुछ नक्की झील से इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही हम अब आगे बढ़ते हैं पुष्कर झील की तरफ। पुष्कर झील का भी पार्ट, अब पुष्कर झील से रिलेटेड भी देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और बहुत डिटेल से अब मैं पुष्कर झील के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पुष्कर झील के बारे में जब हम चलते हैं तो अजमेर शहर से ये कितनी किलोमीटर, 12 से 14 किलोमीटर की दूरी रखता है। कहां से? अजमेर से 12 किलोमीटर की दूरी रखता है। पुष्कर झील का निर्माण भी ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्भेदन से ही इसका निर्माण, किसका निर्माण? पुष्कर झील का निर्माण हुआ है। अतः इसे कालडेरा झील या क्रेटर झील भी कहते हैं। तो कालडेरा झील भी कहते हैं, और मैंने आपको बताया कि जो ज्वालामुखी से बनती है वो क्या कहलाती है? क्रेटर झील भी कहलाती है। तो नक्की और कालडेरा, नक्की और पुष्कर झील दोनों ही क्या है? कालडेरा और क्रेटर झील के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये झील प्राकृतिक झील हो गई। ये राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है, ठीक है। और इसको आदि तीर्थ, मतलब कोई भी तीर्थ पूरा कर लो, कंप्लीट तभी होगा जब इस पे आप आ जाओगे, तो ये आधा तीर्थ करके बनता है। तो आदि तीर्थ, तो पहली बात तो इसको हम क्या कहते हैं? आदि तीर्थ कहते हैं। पांचना तीर्थ, कोकण तीर्थ कहते हैं। पांचना कोकण, ठीक है, पांचना और कोकण तीर्थ ये इसको कहते हैं। आदि तीर्थ, पांचना तीर्थ, का कोकण तीर्थ, मामा या तीर्थराज, ठीक है, तीर्थों का मामा या फिर तीर्थराज, ये सारे ही इसके निक नेम जो है वो होते हैं। पुष्कर झील के बारे में मान्यता है कि पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खोद कर इसको बनाई गई, ठीक है। अतः पुष्कर झील की संज्ञा दी गई है पुष्करणा ब्राह्मणों के कारण। एक किदवंती भी है। किदवंती क्या होती है? पौराणिक कहानी भी है। जब कहा जाता है कि भगवान, यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मंदिर होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ, ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे तीन कमल के पुष्पों से हुआ है। कोई आंसू बोलता है और कोई कमल के पुष्प बोलता है, तो उनके हाथ में जैसा कि पुष्प, कमल के पुष्प रहते हैं, तो उसके गिरने से जो है वो ये तीन पुष्प जो है वो इसके अंदर गिरे हैं, और उसी से जो निर्माण हुआ है किसका? पुष्कर झील का, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर
एक ये तो इम्पोर्टेंट रहा जो रहा। अब जो इम्पोर्टेंट आता है, महाभारत के युद्ध के बाद में जो पांडव थे उन्होंने जो स्नान किया है वो कौन सी जगह पे किया है, पुष्कर झील में। तो पांडवों ने अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जगह पे क्या क्या ऐसी चीजें हुई हैं जो इतिहास में इसका वर्णन भी होता है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है। तो महाभारत के टाइम पे के बाद में, महाभारत के बाद में कौन आए, पांडव आए। महाभारत की रचना की किसने की थी, महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है। वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत जो है वो कहां पर, यहीं पर इसकी रचना जो है वो की गई। विश्वामित्र ने यहां पर तपस्या की है और वेदों का अंतिम रूप से संकलन भी यहीं पर हुआ है। तो विश्वामित्र की तपस्या यहां पर हुई है, वेदों का संकलन भी यहीं पर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट झील हो जाती है, वेदों का संकलन हुआ। चौथी शताब्दी में कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम भी यहां पर लिखा गया। क्या, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया, कालिदास के द्वारा। कहां पर लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम, आपके पुष्कर झील पर ही लिखा गया। गुरु गोविंद सिंह ने यहां गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, किसने, गोविंद सिंह ने कहां पर किया, पुष्कर में ही किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। सीधी बात है, ये छोटे 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 चारों तरफ से गिरी हुई है, तो छोटे छोटे से काफी सारे मंदिर हैं, ठीक है। और इसमें जो टोटल जो घाट बने हुए हैं नहाने के, वो 52 घाट बने हुए हैं दोस्तों। सबसे बड़ा घाट की अगर मैं बात करूं तो वो जयपुर घाट है, ठीक है। एक महिला घाट भी यहां पर स्थित है और महिला घाट को अब जो वर्तमान समय में क्या कहा जाता है दोस्तों, महिला घाट को अब गांधी घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांधी घाट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है, जो गांधी घाट था, मैडम मैरी ने, किसने, मैडम मैरी ने 1912 में करवाया था, ठीक है। किसका निर्माण, मैडम मैरी ने कराया था, महिला घाट का जो निर्माण था वो कराया, जिसका वर्तमान नाम क्या है, गांधी घाट जो है वो वर्तमान नाम है। इसका निर्माण 1912 में कराया गया। गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसर्जन भी कहां पर हुआ, पुष्कर झील में। तो गांधी जी की इच्छा थी कि पुष्कर झील में उनकी अस्थियों का जो विसर्जन है वो होना चाहिए, तो उनकी अस्थियों का विसर्जन कहां पर किया गया, पुष्कर झील में। इसमें जयपुर घाट सबसे बड़ा हो गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। रंग जी का मंदिर है। और एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आती है, इसकी सफाई के लिए 1998 में कैनेडा सरकार की मदद ली गई थी। और ये क्वेश्चन लगभग 500 बार आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्कर की मिट्टी की सफाई करने के लिए किस देश की सहयोग लिया गया, कनाडा की से सहयोग लिया गया, और कब इसकी 1998 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात आ गई। तीर्थों का मामा, जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया, तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है, पुष्कर को कहा जाता है, जबकि तीर्थों का भांजा किसको कहा जाएगा, मच्छकुंड को कहा जाएगा। और मच्छकुंड कहां पर है, धौलपुर के अंदर है दोस्तों। कहां पर है मच्छकुंड, कहां पर आता है, आपके धौलपुर में आएगा, ठीक है। तो मच्छकुंड धौलपुर, और कहां पर आपकी जो सेकंड बात आती है कि मामा कौन हुआ, तो मामा हुआ पुष्कर झील, भांजा मच्छकुंड, और तीर्थों की नानी कौन हुई, आप याद करिए सांबर झील में शाकंभरी माता, वो कौन होगी, तीर्थों की नानी होगी शाकंभरी माता, आप इसको नोट डाउन करिए। और जो मामा भांजे का मंदिर होगा वो फुलदेवरा, फुलदेवरा का शिवालय, और ये कहां पर है, बारा के अंदर, आपके वर्तमान बारा के अंदर, ठीक है। फुलदेवरा का जो शिवालय है वो आपका होगा, मामा भांजा का मंदिर, भांजा का जो दोस्तों मंदिर है
वो मचकुंड धौलपुर हो गया, तीर्थों की नानी, सॉरी तीर्थों की नानी हो गई शाकंभरी, ठीक है, और तीर्थों का जो मामा हो गया वो हो गया पुष्कर। नेक्स्ट आ जाता है कोलायत झील के बारे में, तो कोलायत झील कहां पर है, बीकानेर में स्थित है, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। मीठे झील के पानी है, कपिल मुनि का यहां पर आश्रम रहा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कपिल मुनि का आश्रम यहां पर रहा। आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान का सुंदर मरुद्यान, ठीक है, राजस्थान का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। कोलायत झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की थी, कार्तिक मास की पूर्णिमा को नवंबर माह में, कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहां पर क्या भरता है दोस्तों, मेला भरता है, ठीक है, कपिल मुनि का। तो ये इसमें यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसके समीप ही एक शिवालय भी है जिसमें 12 शिवलिंग है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन कपिल मुनि से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस जगह पे बन सकते हैं। इसके बाद आता है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील अलवर के अंदर स्थित है, ये झील अलवर में स्थित है, महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसको बनाया गया है। किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह अलवर के द्वारा बनाया गया है। 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल, एक शिकारी लॉज का निर्माण कराया, और यही झील राजस्थान का नंदन कानन भी कहलाती है। क्या कहलाती है? नंदन कानन। अपनी ठीक है, विनय सिंह ने क्या अपनी रानी के लिए इसका शाही महल और एक शिकारी लॉज जहां पर बैठकर वो शिकार कर सके इसका निर्माण करवाया था, सिली सेड झील अलवर के अंदर, ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नंदन कानन किसको कहेंगे? सिली सेड झील को, और कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है, ठीक है। उदय सागर झील, उदय सागर से ही नाम आ जाता है, उदयपुर याद कर लीजिए दोस्तों, तो उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयड़ नदी पर करवाया है। किस पे कराया है? आयड़ नदी पर। मेवाड़ के शासक उदयपुर आ गया, मेवाड़ आ गया, तो आयड़ नदी के पे के पानी को रोक कर कराया। इस झील के निकलने के बाद आयड़ का नाम ही क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है? बेड़च, मतलब इस झील से का पानी को रोक कर तो क्या हुआ, उदय सागर झील का निर्माण हुआ, और इस पानी को रोकने के बाद जब यह पानी आगे निकलता है यहां तक तो ये कहलाती है आयड़ नदी, और इस झील को पार करने के बाद ये क्या बन जाती है? बेड़च नदी बन जाती है, ठीक है। मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा उदयपुर उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये एक इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते थे, वो यहां पर आपको बता दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फाय सागर झील के बारे में, ठीक है, तो फाय सागर झील जो आती है वो नेक्स्ट आती है। फाय सागर झील जो है वो कहां पर है? अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण कहां हुआ है? बांडी नदी पे हुआ है, तो पहले तो याद कर लीजिए कहां पर? बांडी नदी पर। फाय सागर बांडी नदी पर इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसे अंग्रेज इंजीनियर फाय सागर से ही याद कर लीजिएगा, अंग्रेजों का इंजीनियर था फॉय के निर्देशन में बाढ़ राहत परियोजना के तहत बनाया गया है। क्या? बाढ़ राहत परियोजना के तहत जो है वो इसका निर्माण इंजीनियर फॉय ने करवाया, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, इसका जलस्तर अधिक हो जाने पर इसका पानी आना सागर में, जो कि अर्णुराज के द्वारा बनाई गई थी, आना सागर में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फाय सागर झील अजमेर। इसके बाद बात करते हैं बालसमंद झील जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। तो अभी के टाइम पे जो जोधपुर ग्रामीण वाला इलाका है दोस्तों, वहां पर ये पाई जाती है, ठीक है। तो बालसमंद झील को अब हम दोस्तों यहां पर पढ़ते हैं, तो मंडोर मार्ग पर स्थित है ये। कहां पर है? मंडोर। तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं, उसी पे हम लोगों ने नोट्स आप लोगों के बनाए हैं,
तो मंडोर मार्ग पर यह स्थित है। इसका निर्माण 1159 में बालक राव के द्वारा कराया गया। तो आप डेट याद मत कीजिए, लेकिन ये याद कर लीजिए कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। बालक राव से ही बाल समंद जो है वो आप नाम अटैच कर सकते हैं। इस झील के मध्य में महाराज सुर सिंह ने अष्टखंबा महल बनाया है। क्या, कौन सा महल बनाया है? अष्टखंबा। किसके द्वारा? सुर सिंह के द्वारा। तो राजा सुर सिंह के द्वारा अष्टखंबा महल कहां पर? बालसमंद झील में बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद हम आते हैं कायलाना झील पर। चलिए, कायलाना झील की बात करें तो ये भी एक कृत्रिम झील नहीं है, एक प्राकृतिक झील है जो ऑटोमेटिक बनी हुई है। ठीक है, इसे वर्तमान स्वरूप महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, इसका वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया है? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। वर्तमान स्वरूप, जिसे ये थोड़ा थोड़ा मजबूती आप जो भी देख पा रहे हैं, तो ये मजबूती किसके द्वारा? महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा दी गई। क्या थी? कायलाना झील प्राकृतिक झील है और ये कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर में गर्मी पड़ती है ना, काले हो जाते हैं ना कोयले की तरह, आप बस इस तरह से याद कर लीजिए, कायलाना झील जोधपुर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, दो पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। इस झील को जोधपुर की सबसे सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है। कायलाना झील जो है जोधपुर की सबसे सुंदर दिखने वाली झीलों में से एक है, कह सकते हैं सबसे सुंदर झील है। वर्तमान में इस झील में राजीव गांधी नहर का पानी आ रहा है। कौन से, कहां से आ रहा है? राजीव गांधी नहर से पानी जो है वो कायम में आता है, कायलाना झील के अंदर आ रहा है। इस झील के किनारे देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान कौन सा? माचिया सफारी पार्क का निर्माण किया गया है। ठीक है, माचिया सफारी, तो इसके किनारे पे ही माचिया सफारी का निर्माण भी किया गया है। और ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लेते हैं मोती झील। मोती झील कहां पर स्थित है? भरतपुर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मोती झील के बारे में हम जो इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं वो क्या है? इसे रूपा रेल के पानी को रोककर बनाया गया है। रूपा रेल, रूपा के मोती बिखर गए और क्या हुआ? मोती झील भरतपुर से, रूपा भरतपुर और मोती झील, इसको आप याद करना है कि रूपा के मोती बिखर गए। ठीक है, कहां पर मोती बिखरे? तो रूपा से, रूपा रेल नदी से मोती झील को आप कनेक्ट कर लीजिएगा। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं और नील हरित शैवाल प्राप्त होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा। जो ग्रीन ग्रीनरी हो जाती है, नील हरित शैवाल जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसमें मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि नील हरित शैवाल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर? तो मोती झील रूपा रेल नदी पर पाया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होती है? नील हरित शैवाल से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का जो निर्माण है वो हो जाता है, उपजाऊ, बहुत ज्यादा उपजाऊ करती है ये चीज। ठीक है, तो ये कुछ हो गया मोती झील के बारे में। इसके बाद हम आ जाते हैं गढ़सीसर झील, जैसलमेर रेगिस्तान में दिखने वाली। अचानक से आप जब जैसलमेर घूम रहे होते हैं और जब गढ़सीसर झील को आप देखते हैं, जब घूमने जाओगे आप देखोगे तो आप चकित रह जाओगे कि यार ऐसी जगह पर इतनी प्यारी सुंदर झील कैसे हो सकती है। ठीक है, तो गढ़सीसर झील जो है जैसलमेर जिले में स्थित वर्षा के पानी की झील है। 14वीं सदी में राजा मेहरवाल गढ़सी के द्वारा, ठीक है, तो गढ़सी से ही याद कर लेना, मेहरवाल, मेहरवाल गढ़सी जो राजा हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। पानी रोका जाता है, बरसात का पानी, और उसी से गढ़सीसर झील का जो है वो निर्माण कराया गया। इसके बाद आ जाते हैं सरदार समंद झील, जो की है पाली में स्थित है। ठीक है, तो डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल, कौन सा? राजस्थान का भूगोल। दोस्तों राजस्थान का जो भूगोल मैंने लिखा, अगर मैं उसको स्टेनो में लिखता हूं तो राजस्थान का और भूगोल इस तरीके से लिखने में आता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया, राजस्थान का भूगोल, बस ये चीज मैंने लिखी और ये इतने में ही ये कंप्लीट हो गया। तो यही दोस्तों होती है स्टेनो,
तो स्टेनो को भी आप सीख सकते हैं, आपके लिए बहुत काम की चीज जो होती है वो ये लैंग्वेज होती है जो कि सिखाई जाती है सारस्वत स्टेनो क्लासेस के द्वारा। चलिए वापस आते हैं, राजस्थान का जो भूगोल है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई? हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के अनुसार पाली जिले में सरदार सम झील का निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, किसके द्वारा कराया गया? उम्मेद सिंह के द्वारा। ठीक है, जो एनसीईआरटी के अंदर है। झील के किनारे पर स्थित सरदार सम झील महल महाराजा उम्मेद सिंह की गर्मियों के समय में रहने वाला महल था, जो अब एक विरासत होटल में परिवर्तित हो गया। कुछ पुस्तकों में इस झील को जोधपुर में बताया गया है, जबकि ऑथेंटिक रूप से सरदार समन जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे आ जाते हैं, बाई तालाब बांसवाड़ा, बाई से ही बांसवाड़ा को कनेक्ट कर लीजिए। बांसवाड़ा में तेजपुर गांव में स्थित बाई तालाब मेहरावल जगमाल की इडर रानी रानी लाच कुवरी लास बाई ने बनवाई। बाई तालाब को आनंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली बात तो ये आनंद सागर तालाब या आनंद सागर झील भी इसको कहते हैं, और किसके द्वारा? रानी लाच कुवरी या लास बाई के द्वारा जो है वो इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, इसके बाद कुछ आती है गजनेर झील बीकानेर, इस झील को पानी के शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई। दूसरी आती है एडवर्ड सागर, गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, डूंगरों के बीच में गैप लगता है ना, बस गैप सागर से याद कर लीजिए, या एडवर्ड, बीच बीच में ऐड करो वर्ड्स को तो बीच में स्पेस आएगा, तो डूंगरपुर के अंदर है। मारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित इस झील में बादल महल स्थित है, यहाँ कालीबाई की मूर्ति है, विवेकानंद का स्मारक है। फिर आता है नंद समंद, ये भी इंपॉर्टेंट है, नंद समंद कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं उस पर आधारित मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बता दिए हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना एनएलसीपी, राजस्थान केंद्र सरकार द्वारा देश की झीलों की महत्ता को बनाए रखने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन मई 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कार्यक्रम अनुमोदित किया गया। स्कीम का उद्देश्य प्रदूषित और अवक्रमित झीलों और इसी प्रकार के अन्य निकायों जैसे टैंक तालाब आदि का पुनरुद्धार संरक्षण करना है। एनएलसीपी के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप झील परिस्थिति में सुधार हुआ है और सौंदर्य पर्यटन मूल्यों को बढ़ावा मिला है। प्रारंभ में केंद्र और राज्य का अंशदान 70-30 था, जो कि 1 अप्रैल 2016 से केंद्र सरकार का 60 और राज्य सरकार का 40 हो गया है 1 अप्रैल 2016 से, जबकि पहले केंद्र सरकार का अंशदान 70% था, 30% राज्य का था, और 1 अप्रैल 2016 से घट के केंद्र का 40 और राज्य का बढ़ के केंद्र का 60 घट के 70 से 60 हो गया और राज्य का 30 से 40 हो गया। तो स्थानीय स्वशासन LSG विभाग इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो ये कुछ राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के बारे में हमने पढ़ा। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है। पहली फतेह सागर जो कि उदयपुर में है, पिछोला जो कि उदयपुर में है, आना सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर, नक्की माउंट आबू और मान सागर झील जयपुर। तो ये 6 झीलों के बारे में आपको यहाँ पर विशेष नॉलेज रखनी है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं झीलों पे कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अधीन राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है जिसपे 60-40 का अनुपात से इसमें पैसा दिया जाता है। तो फतेह, पिछोला, आना, पुष्कर, नक्की और मानसागर झील इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर मैंने आपको झीलों के नाम दिए हुए हैं फर्स्ट, और झीलों के बाद उसके जिले दिए हुए हैं। जो वर्तमान जिले हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है। जैसमंद जो झील है वो कहाँ पर है? सलूम्बर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। राजसमंद कहाँ है? राजसमंद से ही राजसमंद को याद कर लीजिए। बाल समंद, ठीक है, बाल समंद से क्या हुआ? जोधपुर ग्रामीण, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, इसके बाद आना सागर, आना सागर से अजमेर अर्णोराज के द्वारा बनाया गया। फतेह सागर से उदयपुर अभी हमने पढ़ा है। फाय सागर अजमेर, ये हमने अभी पढ़ी है। उदय सागर से उदयपुर सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है, हमने अभी पढ़ा है। पुष्कर अजमेर अभी पढ़ा है। कोलायत, ठीक है, कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। नक्की सिरोही में। सीली सेड
अलवर में, पिछोला झील उदयपुर में, ये सारों के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको याद करना इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कायलाना झील, ठीक है, कोयले की तरह मैंने आपको बताया था, जोधपुर, नवलखा बूंदी, ठीक है, नवलखा झील कहां पर होगी, बूंदी के अंदर होगी। इसके बाद गलता और रामगढ़, जैसा आपको पता है गलता धाम और रामगढ़ कहां पर है, जयपुर ग्रामीण के अंदर आएगा। इसके बाद केलाना झील जो है, केलाना झील कहां पर आएगी, जोधपुर में, तालाब शाही धौलपुर में, राम सागर धौलपुर, गुंदोलाव झील अजमेर किशनगढ़ में, गोवर्धन सागर झील उदयपुर में, जियान सागर झील उदयपुर, बांकली पाली, किशोर सागर, छत्रविलास तालाब कोटा के अंदर किशोर सागर, ठीक है, और भीम सागर जो है वो कहां पर है, झालावाड़ में स्थित है। इसके बाद आते हैं भोपाल सागर, चित्तौड़, कनक सागर, दुगादी झील बूंदी, जैत सागर बूंदी, गोमती झालावाड़, झालरापाटन, चोपड़ा झील पाली, बुड्डा जोहड़ झील अनूपगढ़, पन्नाशाह तालाब नीम का थाना, कोंड्रेला झील, मानसरोवर झील झालावाड़, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, मावठा झील जयपुर जो कि आमेर महल के जस्ट नीचे, नारायण सागर अजमेर, लोदी सागर डूंगरपुर। और इस तरीके से दोस्तों आपकी झीलें जो मीठे पानी की झीलें हैं वो यहाँ पर पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको काफी एक बार नोट डाउन करिएगा, ये आपको इजीली जो है वो दोस्तों याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं खारे पानी की झीलों के साथ में, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।